सूरत શહેરના અઠવા વિસ્તારમાં તાંત્રિક વિધિ કરવાને બહાને પોતાના જાળમાં ફસાવી માતા અને પુત્રી સાથે દુષ્કર્મ આચરનાર 32 વર્ષીય આરોપી કમાલ બાબા અખ્તર શેખને કોર્ટે દોષી જાહેર કર્યો છે। દોષી જાહેર કર્યા બાદ કોર્ટે આરોપીને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે। આરોપીએ કિશોરી અને માતા સાથે દુષ્કર્મ આચરતા માતાએ અઠવા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી। जो के फरियाद ने आधारे अठवा पुलिसे आरोपी कमाल बाबा अख्तर शेख की धरपकड़ करी पोस्को अंतर्गत कार्यवाही हाथ धरी हती। हाल कोर्टे गुनामा 32 वर्षीय आरोपी कमाल बाबा अख्तर शेख ने आजीवन कैद की सजा फटकारी छे। आरती बेन अद्वैत व्यास मैडम ने आरोपी अकमल ने इंडियन पिनल कोड की कलम 376 पछी एट्रोसिटी एक्ट की कलम पोक्सो एक्ट की कलम वगैरह कलम हेठ दोषित ठेरव है। दोषित ठेरवा पछी आरोपी ने महत्तम में महत्तम सजा एटले के आ केस में महत्तम सजा आजीवन कैदनी सजा है। महत्तम कैदनी सजा करवाने माटे सरकार पक्षे दलील करवामां आवेली। दलील करती वक्त सरकार पक्षे एवं पण कहेवामां आव्युं के आरोपीए जे भोळी बेन है ये भोळी बेन ने एक तांत्रिक विद्या करे तो तारा पति सारो थई जशे तेम करीने ए बेननी साथे बलात्कार कर्यो के हूँ जो तांत्रिक विद्या में तू तारी साथे शारीरिक संबंध बांधीश तो तारो पति सारू थई जशे एवी भोळवीने तेनी साथे रेप कर्यो। त्यार पछी भोग बननार बेन एक दिवस पोतानी 14 वर्षनी दीकरीने आ तांत्रिक पासे लई गयेला अकमल बाबा पासे अने ए अकमल बाबाए आ दीकरीने जोई तेनी उपर पण नजर बगड़ी अने पछी कीधुं के आवुं मार तारी दीकरी साथे पण मारे करवुं पड़शे। एम करी एनी दीकरी साथे पण 14 वर्षनी दीकरी साथे पण रेप कर्यो अने एम करीने आ अकमले गुनो करेलो हतो। 2017 बनाव छे। बन्ने पक्षोनी दलील आज नामदार कोर्ट समक्ष चाली। नामदार कोर्टे आरोपी ने इंडियन पिनल कोडनी कलम 376 बे ड एट्रोसिटी वगैरह हेठ कसूरवार ठेरव है एने आजीवन कैदनी सजा फरमावी छे। ए उपरांत भोग बननार बन्ने मां दीकरीने 4-4 लाख रुपया वर्तर आपवानो हुकम पण फरमाव्यो छे। અને ગુજરાતની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ।